माँ ने कहा मैं इसको ये बनाऊंगी, बाप ने कहा कि दादा करे मैं तो ये बनाऊंगा, चाचा करे मैं ये बनाऊंगा, मैं इसको रिक्शा वाला बनाऊंगा, मैं इसको पान वाला बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगी, मैं उसको वो बनाऊंगा, सब चल रहा है। इतनी पट्टी पढ़ाते हैं बचपन में ही कि वो बच्चा भूल जाता है कि दरअसल वो क्या चाहता है। जैसे आप में से लगभग सब लोग आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आप में से कम एक चौथाई होंगे जिनको मूलतः आईएएस बनने की इच्छा नहीं है। उनको समाज ने इतनी पट्टी पढ़ा दी है कि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि आईएएस बनने की इच्छा उनकी अपनी इच्छा है या समाज द्वारा उनके ऊपर थोपी गई इच्छा है। लिखूंगा छायावादी, पेरेंट्स को भी लग गया खिसका हुआ, जाके वहां छोड़ दिया, कविताएं लिखता है, बाबे महाकवि बन गया, उसको नोबेल पुरस्कार मिला, पेरेंट्स कह रहे हमने बचपन में छोड़ दिया था, तब से अच्छा कवि बन गया है। और विज्ञान का व्यक्ति क्या बोलता है, चमत्कार का मतलब सिर्फ इतना है कि इस घटना का कारण अभी तक विज्ञान नहीं ढूंढ पाया है, ढूंढ लेगा। बरमूडा ट्रायंगल नहीं ढूंढ पाए हैं, ढूंढ लेंगे कभी ना कभी, अभी नहीं मिला है ना, तब तक चमत्कार है। गणेश जी ने दूध पिया प्रतिमाओं ने, चमत्कार है, कारण मिल गया, चमत्कार नहीं है, विज्ञान है। जिस जिस घटना की व्याख्या हो गई, शमशान घाट में रात के समय रोशनी चमकती है, चमत्कार है, पता लग गया फास्फोरस है, तो विज्ञान है। जिस जिस चीज की व्याख्या नहीं हुई है वो चमत्कार है, जिस जिस चीज की व्याख्या हो गई वो विज्ञान। दुनिया ऐसे चलती है। और विज्ञान मान लीजिए कि आप आर्थिक रूप से ठीक स्थिति में है, आपका परिवार ऐसा है कि आपकी चिंता वाली बात नहीं होती आपके साथ, और आपका एक दोस्त है थोड़ा कमजोर पृष्ठभूमि से है, और वो आपके सामने अचानक अगर रोने लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, घर में संकट हो गया है, ऐसा वैसा ये वो, मुझे कुछ मदद की जरूरत है, आप कितने भी अच्छे मनोवैज्ञानिक हो, इस बात का खतरा अवश्य है कि आपको धोखा दिया जा रहा हो, छल हो रहा हो, ये संभावना है या नहीं है? संभावना तो है ही, पर यह संभावना भी है कि छल न किया जा रहा हो। ऐसे में क्या करेंगे? कुछ लोग तो खुफिया तंत्र अपना लगा देते हैं पता करने के लिए, पर इतनी फुर्सत सबके पास नहीं होती ना कि आप बेरोजगार तो है ना, यही करते रहेंगे सब कुछ। दो ऑप्शन है, एक आप ये चुने कि मैं बेवकूफ बन गया ये सुनना पसंद करूंगा, बजाय ये सुनने के कि मैं किसी व्यक्ति की परेशानी सुन के पसीजता नहीं। और दूसरा व्यक्ति आया है और जैसे ही आया आप घड़े देख रहे हैं और पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ ठीक चल रही है। फिर देखिए घड़ी कब, अबे कब जाएगा, जाना भाई, कितना चाटेगा, जाओ, क्योंकि आपका जो मूल व्यक्तित्व है उसमें रमता नहीं है, और जहाँ रमता है वहां तो एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, छह घंटे बाद कोई कहे अरे हाय दैया छह बज गए, आपको छह बज गए पता भी नहीं चला, मुझे लगा सवा बारह हुए होंगे, अभी बारह बजे ही तो आए थे, छह घंटे हो गए, क्योंकि वहां आप रमे हुए हैं। तो मूल व्यक्तित्व की दूसरी पहचान है जहां व्यक्ति रम जाए, रम जाए, रम पिए नहीं, रम जाए, जहां व्यक्ति रम जाए, वरना रम पियड़िया हो जाएगी जहां व्यक्ति रम जाए यानी कि डूब जाए।